हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेड सोटो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पांच ऐसे स्टॉक जो बहुत ही अच्छे पोजीशन में मिल रहे हैं, जो कि बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने खुद रिसर्च किया, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि एक्स ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ वन मंथ आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बहुत ही अच्छे पोजिशन पे मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो चैनल पे आपको रोज रोज टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए आपको मिलती रहती है, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पांच ऐसे स्टॉक आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे हैं, रिलायंस, हैवेल्स, क्यूमिंस इंडिया, सिप्ला, अमर राजा बैटरी। तो बिल्कुल मैं एक एक स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे है, वहां जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस का। देखिए रिलायंस का ये वन डे कैंडलस्टिक चार्ट है, क्यों मैं आपको इसमें क्या हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा, क्यों होगा मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो आपको देखे बिल्कुल आपके सामने चार्ट है, ये वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो जब ये ट्रेंड लाइन को देखिए, ये ट्रेंड लाइन को कितनी बार ये स्टॉक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस था, आप देख सकते हैं खुद ये ट्रेंड लाइन के पास जब जाता था वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आता था, फिर यहाँ पे जाता था रिजेक्ट होकर आता था, फिर से रिजेक्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए फोर्थ टाइम इसने उसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है, और ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया है कि ऊपर एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप जैसा इसने बनाया हुआ है, मतलब वन टू डबल टॉप था और ये दिन गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग ने उसी रेंज से ही इसने में जो गिरावट आई बहुत ही अच्छी गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो अगर आप इसमें देखें, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो देखिए कि ये जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अभी क्या किया है स्टॉक उसी लेवल पे आके सस्टेन किया हुआ है, मतलब ये जो कंसोलिडेशन इतना दिन से एक रेंज बना रहा है वो कहां पे बना रहा है, 15 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके बना रहा है। तो इसमें जो व्यू है, व्यू देखिए ये जोन को अगर तोड़ता है तो इसमें एक अच्छा खासा अप मूव भी देखने को मिल सकता है, डाउन मूव भी देखना है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, वॉच करना है कि ये अगर नीचे निकलता है, सपोज ये ऊपर निकलता है तो आपको बाई साइड पे व्यू होगा, मतलब ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये जोन आप लिख लीजिए 1560, अगर 1560 के क्लोजिंग बेसिस पे आपको किसी भी दिन आपको देखने को मिलता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी दिन अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे अगर मिल जाए तो फिर इसमें जो है अप मूव देखने को मिलेगा। अगर ये 1498 नीचे के साइड 1498 इसका जो लो है वो है आपका लेवल 1498 के नीचे देखने को मिलता है तो बिल्कुल इसमें एक बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, हो सकता है कि ये 200 मूविंग एवरेज तक आ जाए, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में बना के रखिए, जस्ट वेट एंड वॉच करना है कि कब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो फिर आप इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया हुआ है, तो हो सकता है ज्यादा चांसेस है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके सस्टेन कर रहा है, तो इंट्राडे में ही आपको जो है अपमूव मंडे को देखने को मिलेगा। अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर आप लेके चले तो इस रेंज के ऊपर अगर 1560 जो ये जो लेवल है 1560 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें आप जो है पोजिशन लेके जा सकते हैं, और नीचे के साइड पे भी इसमें व्यू बना सकते हैं, अगर 1498 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हैवेल्स का। तो देखिए हैवेल्स मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, बताया हुआ था मेरे चैनल पे ड्यूरिंग इंट्राडे इन द सेंस डे एंड होने के बाद जब इस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे देखिए नीचे की ओर जैसे ये ब्रेकडाउन दिया मैंने आपको बोल दिया था कि इसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नेक्स्ट दिन इतना जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर दो दिन क्या किया है, अभी ये स्टॉक बहुत ही अच्छे पोजिशन पे है, मतलब आप देख सकते हैं अभी ये जो स्टॉक है वो अभी रेजिस्टेंस जो वहां पे सपोर्ट ले रहा था अभी क्या किया है वो वहां पे रेजिस्टेंस की ओर काम करेगा, मतलब आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो देखिए स्टॉक इस रेंज को कितनी बार इसने सपोर्ट लिया था जब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर था, आप खुद देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम इस जोन को उसने सपोर्ट लिया था,
और एक चीज इसमें देखने वाली बात यह है कि ये 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे है और ये एक ट्रेंगुलर पैटर्न है। आप खुद देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन और ये जोन, ये दोनों मिला के एक ट्रेंगुलर पैटर्न जो कि एक डिसेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न है उनको ब्रेकआउट दिया है, मतलब नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और ब्रेकआउट होने के बाद दो दिन इसने रिट्रेसमेंट जरूर आया है। अभी ये स्टॉक बिल्कुल एंट्री लेवल के आसपास है, एंट्री लेवल इन द सेंस सेल साइड पे मैं बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। इसमें गिरावट अगर देखने को मिला तो बिल्कुल इसमें जो टारगेट वो यहां तक अचीव हो जाने चाहिए, 575 तो बिल्कुल इसमें दिख जानी चाहिए। तो और भी नीचे आ सकता है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ हाई से लेके यहाँ लो तक इतना जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है और उसका 30% भी इसने कवर अप नहीं किया है। अब रिट्रेसमेंट ले रहा है तो यहाँ से जब गिरेगा बहुत ही अच्छा गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है क्यूमेंस इंडिया का। देखिए क्यूमेंस इंडिया का स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कौन से दिन, जब ये दोनों ही जो मेजर ट्रेंड लाइन थे उन ट्रेंड लाइन को जिस दिन ये ब्रेकआउट दिया था मैंने इस दिन ही आपको बोल दिया था, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है एक अपमूव आएगा और ये अपमूव इसको यहां तक लेके जाएगा इस ट्रेंड लाइन तक। तो देखिए ट्रेंड लाइन में आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूं क्यों ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे ट्रेंड लाइन है क्योंकि यहां देखिए यहां एक बार यहां से रिजेक्शन किया था, फिर ये 2019 में यहां अप्रैल के आसपास यहाँ किया था, फिर मार्च में इसने यहाँ किया था, फिर इसने जुलाई में ये सारे जो ट्रेंड लाइन है 2019 में बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट लिए हुए हैं और ये बिल्कुल 200 इज मूविंग एवरेज के आसपास और ये ट्रेंड लाइन एक ही जगह पे आ रहे हैं, है ना। और ये दो ट्रेंड लाइन है जो ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया है और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे वो सपोर्ट एक बनाया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ से जो मोमेंटम यहाँ पे मोमेंटम जो हुआ था अभी दो दिन अभी 5-6 दिन अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट हो रहा था, तो फ्राइडे को ये बहुत ही अच्छे क्लोजिंग दिया है। तो इसमें अगर वह मोमेंटम शुरू होता है तो ये बहुत ही अच्छे जो है 7-8 दिन में ही आपको जो है टारगेट भी दे सकता है जो कि 640 से लेके 55 तक आप देख सकते हैं, मतलब ये ट्रेंड लाइन और 200 मूविंग एवरेज तक तो इतना तो मिल ही जाना चाहिए, है ना। तो कोई क्यूमेंस इंडिया में जो व्यू है हमारा बाई साइड पे है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सिप्ला का। देखिए सिप्ला मैंने ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं आपको इस चैनल के माध्यम से भी बोल दिया था, हाँ पुराने वीडियोस में भी मैंने बोला था कि देखिए ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके ये बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये एक उसका सप्लाई जोन है, जब भी ये रेजिस्टेंस जोन है, जब भी ये स्टॉक इस लेवल के आसपास जाता है रिजेक्शन होता है। आप खुद ही देख सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके सामने चार्ट ओपन करके रखा हूं, आप खुद देख लीजिए यहां से जब जाता है तो यहां से रिजेक्ट होता है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है। तो बार बार ये एक जो ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंगुलर पैटर्न ये दोनों को इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है और ब्रेकडाउन के बाद फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छा है इसमें और वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो अच्छा खासा जो है डाउनफॉल इसको देखने को मिलनी चाहिए। तो सिप्ला भी बहुत 200 डेज भी बिल्कुल ऊपर है ट्रेंगुलर पैटर्न के, तो बिल्कुल इसमें जो है डाउनफॉल इसमें दिखनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरी का। देखिए इसका वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूं तो बिल्कुल आपके सामने है, मैंने ड्रॉ भी करके रख दिया है। तो इसके देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये उसकी शोल्डर है और ये इसकी हेड है और ये इसकी सेकंड शोल्डर है। तो इसके बाद देखिए ये जो लाइन था जो नेकलाइन इसको बोलते हैं, तो नेकलाइन को जैसे ही इसने ब्रेकआउट अभी लास्ट वर्किंग डे मतलब 20 तारीख का जो वीकली जो कैंडल बना है वो इसके क्लोज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है प्लस ये नेकलाइन के ऊपर भी जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो अगर ये मोमेंटम कर रहा है तो याद रखिए ये वीकली चार्ट है, तो ये आपको इंट्राडे में हो सकता है आपको अच्छा खासा मोमेंटम ना दे लेकिन 1 या 2 महीने में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देके जाएगा अगर ये हाई के ऊपर जिसका वीकली जो हाई है। अब ये स्टॉक 805 पे ट्रेड कर रहा है, 812 को क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो ये सारे स्टॉक आपको वॉचलिस्ट में जरूर बना के रखिएगा, जो कि 5 स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, रिलायंस सेवल्स, क्यूमेंस इंडिया, सिप्ला, अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में ही याद रखिएगा वीकली चार्ट है, है ना। तो इस 5 स्टॉक जो मुझे एट टूडे अगर आप देखेंगे ईओडी एंड ऑफ डे के जो बात मुझे जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे लगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। आगे भी मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जितने भी जो स्टॉक है जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे मिल रहे हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस मैं शेयर करते रहता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें
एंड रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं जो इस चार्ट की इस 500 स्टॉक की जो स्क्रीनशॉट है मैं वहां पे डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं और कभी जो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो है सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।